हेलो फ्रेंड्स, तो आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी निंजा। तो आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू, एंड इट विल कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम नवंबर 3 to 5। तो मेरा नाम तेजस है, मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। फर्स्ट टॉपिक इज ऑलिगोमरनेट, दैट इज GV971। तो एग्जैक्टली है क्या? इट इज चाइनाज फर्स्ट होम ग्रोन ड्रग फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। तो बेसिकली ये एक ड्रग है अल्जाइमर के लिए, और इसके फीचर्स क्या है? मल्टी टारगेटिंग एंड कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, एंड इट इज द फर्स्ट वन टू बी अप्रूव सिंस 2003। मतलब 2003 के पहले भी एक बार बना था, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था। और ये GV971 कैसे बनता है? फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ब्राउन एल्गे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो अल्जाइमर के बारे में हम और जानते हैं, इट इज एन इररिवर्सिबल प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर। मतलब याददाश्त चली जाती है, दैट इज डिस्ट्रॉयज मेमोरी, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग। तो बेसिकली थिंकिंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है, एंड इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ कनेक्शंस बिटवीन नर्व सेल्स दैट इज न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्जाइमर्स इज मोर कॉमन इन वुमेन रादर देन मेन। हमें याद रखना है कि चाइना ने किया है, WHO ने नहीं। नेक्स्ट, धनुष। तो ये क्या है? इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द स्वीडिश बोफोर्स गन। तो ये कुछ ऐसे दिखता है। तो ये बेसिकली हॉबिट्जर गन है, दैट इज एन आर्टिलरी गन, एंड इट हैज बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड। मतलब 100% इंडियन एफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी। तो रिसेंटली इंडो जर्मन पार्टनरशिप हुआ है टू रिफॉर्म द बस सेक्टर इन तमिलनाडु। तो इसका मतलब ई बस लाना है, दैट इज इलेक्ट्रिक बस, एंड दिस इनिशिएटिव विल बी फॉर 5 years। तो हम इसे इतना रखना है कि तमिलनाडु में हो रहा है। नेक्स्ट, आफ्सपा इन JNK। तो हमें पता है आफ्सपा क्या है, मिलिट्री और आर्मी को स्पेशल पावर मिलती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन पहले गवर्नर, सेंटर कोई भी डिसाइड कर सकता था। तो अभी यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ने नोटिफाई किया है कि MHA विल बी द अथॉरिटी फॉर JNK एंड लद्दाख आसपास रिलेटेड। MHA मतलब होम मिनिस्ट्री। तो अभी अगर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में आसपास लगाना है तो होम मिनिस्ट्री ही बोलेगा, एंड यही मिनिस्ट्री विल ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर टेररिज्म। नेक्स्ट, लिंगडम मोनेस्ट्री। तो ये कहाँ पे है? रंका, दैट इज सिक्किम। दिस इज ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड इट बिलोंग्स टू झुरमांग काग्यू सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। नेक्स्ट, थर्ड RCEP समिट। तो ये कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में। एंड शॉकिंगली इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू फाइनलाइज द डील। बाकी सब लोग ने अग्री किया है, तो अपना इंडिया वन मैन शो डिसएग्री किया है। और इसका रीजन क्या है? रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो इसके नॉर्म्स कुछ ऐसे थे कि इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम कर देंगे। तो एक तरह से देर इज नो एंटी डंपिंग क्लॉज। तो इंडिया को चीप इंपोर्ट से डर लग गया। चाइना, न्यूजीलैंड ये सब अपने चीप प्रोडक्ट्स इंडिया मार्केट में बेचते और अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री की वाट लग जाती। तो इसी डर के वजह से इंडिया ने फाइनलाइज नहीं किया, एंड दिस मूव शोज दैट वी आर नॉट हैप्पी विद द अर्ली हार्वेस्ट पैकेज। अर्ली हार्वेस्ट पैकेज मतलब देखो RCEP अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो जो भी इश्यूज पे कंसेंसस है तो वो लोग वो साइन कर रहे हैं, और जिसमें भी डेडलॉक क्रिएट हो रहा है वो पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मिलता है उतना तो ले लेते हैं, फिर आगे का बाद में देख लेंगे। तो इंडिया इज नॉट हैप्पी विद दिस अर्ली हार्वेस्ट पैकेज। इंडिया को पूरा पैकेज एक साथ चाहिए, पेटी पैक। देखो प्रीलिम्स आने तक ये इशू का कुछ भी हो सकता है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डीप मत जाना। नेक्स्ट, SCO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली 18th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हुआ था, कहाँ पे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। और इस समिट के अंदर बाकी समिट्स की तरह ये करो वो करो सब जनरल पॉइंट्स है, तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एंड SCO के अंडर ही एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा, दैट इज सेंटर 2019। ठीक है, नाम से कंफ्यूज मत होना। और अभी 18th मीटिंग हुई थी, तो 28th मीटिंग कहाँ पे होगी? इंडिया में इन 2020। तो SCO के बारे में हम और जानते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स और ऑब्जर्वर्स भी है। तो यहाँ पे जो ग्रीन में है वो मेंबर्स है और रेड में ऑब्जर्वर्स। तो ये 8 मेंबर्स कौन से हैं? ट्रक प्लस IP, दैट इज तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। तो इसे याद रखने में आसानी होगी। एंड दिस SCO इज ऑल्सो नोन एज द अलायंस ऑफ द ईस्ट। तो ये क्या क्या करता है? सिक्योरिटी प्लस मिलिट्री प्लस और भी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स करता है, लेकिन ये फेमस है सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इनिशिएटिव्स के लिए। और इसी के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, दैट इज RATS। तो ये नाम से समझ में आते हैं कि टेररिज्म की मारने के लिए। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
ताशकेंट उज्बेकिस्तान। तो इसका मेजर गोल क्या है? टू फाइट अगेंस्ट थ्री इविल्स ऑफ सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, दैट इज सेट। नेक्स्ट, सिक्स पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ऑफ G20 कंट्रीज। तो नाम से ही समझ में आता है कि स्पीकर्स लोग का सबमिट हो रहा है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो, जापान, एंड इट इज डन बाय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU प्लस जापान, क्योंकि वहां पे हो रहा है। नेक्स्ट, ई कापा 2019। तो ये क्या है? इट इज इंडियाज फर्स्ट आर्ट्स एग्जीबिशन फॉर टैलेंट्स विद इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस। तो इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस मतलब डाउन सिंड्रोम, डिसलेक्सिया एटसेट्रा, तो उनके ब्यूटीफुल वर्क्स का एग्जीबिशन है। तो बेसिकली ये ईशान अवस्थी जैसे आर्टिस्ट लोग के लिए है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तारे जमीन पर एग्जीबिशन, एंड इट इज नोन एज आर्ट फ्रॉम द हार्ट, और ये कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, ईस्ट एशिया समिट। तो ये समिट इज एन इनिशिएटिव ऑफ आसियान। तो इसके मेंबर्स कौन है? 10 आसियान मेंबर्स प्लस 6 जो आरसेप वाले है प्लस US प्लस रशिया, तो बेसिकली 18 मेंबर्स है। तो सिर्फ US रशिया एक्स्ट्रा है, याद रखना। And it is held after annual ASEAN leaders meetings. मतलब आसियान का भी समिट हुआ था लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये समिट का काम क्या है? एनवायरमेंट, एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ, ये वो, आसियान कनेक्टिविटी एटसेट्रा, तो बेसिकली सब पॉजिटिव पॉइंट्स है। एंड इट कवर्स 50% ऑफ द पॉपुलेशन प्लस 20% ऑफ द ट्रेड पूरे दुनिया का, तो बहुत इन्फ्लुएंशियल समिट है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज थर्ड पोल ऑफ इकोनॉमी, US यूरोप पहले। नेक्स्ट, NW2 दैट इज नेशनल वाटरवेज 2। तो ये नेशनल वाटरवे कहाँ पे है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम सादिया टू धुबरी इन आसाम, एंड रिसेंटली फर्स्ट एवर कंटेनर कार्गो मूवमेंट हो रहा है नेशनल वाटरवे 2 पे। तो ये मूवमेंट करने के लिए बांग्लादेश से भी जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, PIWTT। इसी के अंडर इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP रूट्स है, कोलकाता, सिलघाट, करीमगंज, ये सब इस रूट्स के अंदर आते हैं। एंड दिस नेशनल वाटरवे इज मेड थ्रू नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, और इसने 111 वाटरवेज दिए हैं। और ये कौन करता है? IWAI दैट इज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट 6 नेशनल वाटरवेज देख लेंगे। NW1 गंगा पे है यहाँ पे, NW2 यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पे, NW3 यहाँ पे केरला में, NW4 यहाँ पे गोदावरी कृष्णा पे, NW5 ब्रह्मानी रिवर पे, और NW6 बराक रिवर पे। तो ये अच्छे से करके जाना, प्रीलिम्स में आ सकता है। नेक्स्ट, फिफ्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF, तो ये कहाँ पे हो रहा है? कोलकाता में इन साइंस सिटी, और इसका थीम क्या है? राइज इन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड स्कीम एम्पावरिंग द नेशन। एंड इसी के अंदर विज्ञानिका इंटरनेशनल साइंस लिटरेचर फेस्टिवल भी हो रहा है। तो नाम से समझ में आते हैं कि साइंस लिटरेचर, तो मतलब साइंटिफिक जर्नल, साइंटिफिक पेपर्स, थीसिस। एंड इसके अलावा इट विल ऑल्सो कवर पोएट्री, ड्रामा एंड मैजिक। तो ये IISF है क्या? इट इज द लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। तो ये कौन कंडक्ट करता है? MST दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, प्लस MOES मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, प्लस विज्ञान भारती विभाग। तो ये विज्ञान भारती है क्या? इट इज एन इनिशिएटिव फॉर स्वदेशी साइंस मूवमेंट, और ये किसने स्टार्ट किया था? IISC दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अंडर प्रोफेसर IK वासु, एंड IISF के अंडर ही विज्ञान समागम भी हुआ था। इट इज द फर्स्ट ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन। नेक्स्ट, पॉलीपेडेट्स बंगालेंसिस, तो ये क्या है? इट इज ए फ्रॉग स्पीसीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इसलिए उसका नाम में भी बंगाल है। एंड इट इज ए ब्राउन ब्लॉश बंगाल ट्री फ्रॉग, और इसकी खासियत ये है कि इट इज नॉर्मली फाउंड इन रेसिडेंशियल एरियाज, नॉट इन जंगल्स। नेक्स्ट, धनाकिल डिप्रेशन, तो ये बेसिकली ऐसा जगह है कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इथियोपिया में, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो रिसेंटली साइंटिस्ट लोग ने बोला है कि एन एक्टिव एंड नेचुरली अकरिंग लाइफ कैनॉट बी सस्टेन एट धनाकिल, तो बेसिकली यहाँ पे जीना नामुमकिन है। And it is 100 meters below the sea level. इसीलिए उसका नाम डिप्रेशन है। तो यहाँ पे लाइफ सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नीशियम डोमिनेटेड ब्राइन्स कॉज सेल टू ब्रेक डाउन, एंड सच ब्राइन्स हैव वेरी लो pH एंड हाई सॉल्ट दैट मेक्स अडेप्टेशन हाईली डिफिकल्ट। तो इसमें हाई सॉल्ट होने के बाद भी ये एसिडिक है, तो बच के रहना। नेक्स्ट, नाविक, तो ये हमें पता है कि ये इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, मतलब इंडिया का GPS है।
तो रिसेंटली इसरो एंड अंतरिक्ष ने बोला है कि इसको कमर्शियलाइज किया जाएगा। तो बेसिकली नाविक के सर्विसेज को चार्ज करेंगे। तो ये नाविक है क्या? इट इज एन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS एंड इट हेल्प्स इन गिविंग रिलायबल पोजिशन नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। और इसका कवरेज कितना है? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, पूरा दुनिया नहीं। और हमें पता है कि इसरो कर रहा है। इसी के अंदर देर आर 8 सैटेलाइट्स, आउट ऑफ विच देर आर 3 इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दैट इज GST एंड 5 इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट दैट इज GSC। सिंस ST के लिए सीट्स कम होते हैं तो सैटेलाइट्स भी कम है, तो ऐसे याद रख सकते हो। एंड दिस सैटेलाइट सिस्टम इज सर्टिफाइड बाय 3GPP, द सेम विच सर्टिफाइज 3G, 4G, 5G। नेक्स्ट, रेड एटलस एक्शन प्लान एंड सी फ्लोस। तो ये किससे रिलेटेड है? फ्लड मिटिगेशन से। इट इज फॉर फ्लड मिटिगेशन इन चेन्नई। तो नाम से समझ में आता है कि एक एटलस बनाना है, वो बताएगा कि कौन से एरिया में ज्यादा फ्लड्स आ सकता है, तो उस हिसाब से मेजर्स लेंगे। और ये एटलस कौन बना रहा है? MOES दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और उसी के अंडर IMD, NCCR प्लस एक्सेट्रा ये सब कर रहे हैं। हमें सिर्फ MOES याद रखना है। और ये सी फ्लोस क्या है? इट इज कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर चेन्नई। और ये किसने बनाया है? NIOT दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट सिस्टम फॉर फ्लड वार्निंग एंड इट इज GIS बेस्ड दैट इज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब सैटेलाइट डेटा से पता चलेगा कि कहाँ पे कैसे फ्लड हो रहा है। तो ये NIOT है क्या? इट इज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर MOES। और इसके अलावा वो डीप ओशन मिशन भी कर रहा है, दैट इज DOM। नेक्स्ट, आइस डैश एंड अतिथि। तो दीज टू आर IT इनिशिएटिव्स ऑफ MF दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कुछ और मतलब मत निकालना। ये IT अपना कंप्यूटर वाला IT है, इनकम टैक्स वाला IT नहीं। एंड दिस इनिशिएटिव इज डन बाय सिबिक प्लस NIC दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स प्लस नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये आइस डैश है क्या? इट इज फॉर इम्प्रूव मॉनिटरिंग ऑफ कस्टम क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। बेसिकली इम्पोर्टेड गुड्स के कस्टम क्लियरेंस के लिए है। एंड अतिथि ऐप क्या है? इट इज फॉर फैसिलिटेटिंग अराइविंग इंटरनेशनल पैसेंजर्स। तो ये पैसेंजर्स के लिए है। तो इस ऐप से एडवांस डिक्लेरेशन दे सकते हैं फॉर कस्टम्स बैगेज एंड करेंसी। तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स पहले ही डिक्लेयर कर देंगे कि वो क्या क्या लाने वाले हैं, तो वो लोग को ज्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। तो बेसिकली इन दोनों का एम क्या है? कस्टम्स क्लियरेंस। एंड इससे क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट, स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म। तो ये कौन कर रहा है? MSDE दैट इज स्किल्स मिनिस्ट्री प्लस IBM। तो ये प्लेटफॉर्म कौन से स्किल्स बढ़ाएगा? IT, नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो IBM नाम से ही समझ में आएगा कि ये फील्ड से रिलेटेड है। तो स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म इज फॉर IT स्किल्स, ये याद रखना। नेक्स्ट, न्यू मैप। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर मैप में आ गए हैं। तो ये मैप किसने बनाया है? सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, वो सर्वे ऑफ इंडिया का हेड होता है। तो इस मैप में हम देख सकते हैं POK इज इंक्लूडेड इन JNK एंड गिलगिट बाल्टिस्तान इन लद्दाख। तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि लद्दाख का एरिया ज्यादा है, तो प्लीज बच के रहना। और सर्वे ऑफ इंडिया इज अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज MST। तो दीवारों पे एंड लाइब्रेरी में जो भी इंडिया का मैप है वो चेंज कर देना। नेक्स्ट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। तो नाम से ही समझ में आता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सेपरेट यूनिट्स बनाने हैं। तो ये कौन कर रहा है? MWCD दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, तो प्लीज बच के रहना। एंड इसका फंडिंग विल बी डन थ्रू हेल्प ऑफ निर्भया फंड। तो ये करने के लिए किसने रिकमेंड किया था? रविंद्र पनवार कमेटी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एंड यही कमेटी ने वुमेन हेल्प डेस्क बनाने के लिए भी बोला है। एंड दिस निर्भया फंड हैज बीन मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड दिस फंड ऑल्सो सपोर्ट्स NGOs वर्किंग फॉर वुमेन रिलेटेड इश्यूज। नेक्स्ट, न्यू कोलंबो प्लान मोबिलिटी प्रोग्राम। तो ये किसका प्रोग्राम है? ऑस्ट्रेलिया का। किसके लिए? फॉर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो दिस प्रोग्राम विल प्रोवाइड फॉर ऑपर्चुनिटीज एंड दिस प्रोग्राम विल कवर नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। उसमें इंडिया भी है। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। फॉरेन ट्रिप पे भेजने का निंजा तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो
तो जिंदा हो तुम।